गुरु लई अपना सब कुछ वार देण दी गल बड़ी सौखी जापती है, पर जदों इस नूं हकीकी जामा पहनाउण दा समां आउंदा है तां बहुते पिछे हट जांदे ने। पर सिख इतिहास दे पन्नियां च इक अजिहे सूरमे दा नां सुनहरे अक्खरां विच दर्ज है जिसने अपने गुरु लई अपना सिर पेंट करन च सोचण तक दा समां वी नहीं लगाया। गल कर रहे हां भाई दया सिंह जी दी, जो पंज प्यारियां चों सब तों पहले प्यारे हन क्योंकि इन्हां ने सब तो पहला अमृतपान किया। भाई सुधा सिंह जी ते माता दयाली जी के पुत्र ने सरबंस दानी लई अपनी जिंद वार देण तों वी गुरेज नहीं किया। गल सन 1677 की है जदों भाई दया सिंह जी अपने परिवार नाल आनंदपुर साहब जी आए ते उत्थे ही गुरु गोबिंद सिंह दी छत्र छाया विच वस गए। दस दईए कि भाई दया सिंह जी नूं पंजाबी ते परशियन भाषा का वधिया ज्ञान सी ते आनंदपुर साहब उन्होंने गुरबाणी का ज्ञान प्राप्त किया ते अस्त्र शस्त्र की विद्या हासिल की। गल 30 मार्च 1999 की है जदों श्री आनंदपुर साहब विखे विसाखी नूं गुरु जी ने एक विशेष थां उत्ते मुख समागम की शुरुआत सवेरे साजरे आसां दी वार कीर्तन नाल कीती, जिथे गुरु शब्द गुरु उपदेशां उत्ते विचार होया। दीवान दे अंत समय गुरु जी मंच उत्ते हथ च नंगी तलवार लैके पधारे ते उन्हां ने वीर रस च प्रवान करदे होए कहा कि मुगलां दे जुल्म निरंतर वधदे जा रहे हन, साडी बहु बेटियां दी इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। जो भी अपने प्राणा दी आहुति दे के दुष्टां दा दमन करना चाहुंदे हन उह अपना सिर मेरी इस तलवार नूं भेंट कर दे। उदों उन्हां ने अपनी म्यान विचों कृपान कढ़ी ते ललकारदे होए सिंह गर्जना विच कहा कि कोई मेरा प्यारा सिख जो अज मेरी इस तलवार की प्यास अपने रक्त नाल बुझा सके। इस सवाल नूं सुनदे ही सारिआं विच चुप छा गई, पर गुरु जी दे दुबारा चुनौती देण उत्ते एक निष्ठावान व्यक्ति हथ जोड़ के उठिया ते बोलिया कि मैं हाजिर हाँ गुरु जी, ते ए लाहौर वासी भाई दया राम जी सी। ते उस तो बाद जफरनामा लैके जाना। गुरु जी दे आह्वान उत्ते भाई दया सिंह जी अपनी जान नूं हथेली ते रख के जफरनामा ले जाण नूं तैयार होए। उन्हां नूं जफरनामा केवल औरंगजेब दे हत्थां विच सौंपण दा आदेश दे के गुरु जी ने उन्हां नूं विदा कीता। जफरनामे नूं पढ़ के सम्राट औरंगजेब कंप गया। उह मानसिक रूप तों इन्ने तनाव विच आ गया कि उह बीमार पै गया ते बाद विच इही रोग औरंगजेब दा काल बणिया ते उह हमेशा लई अपने झूठ दे नाल ही दफन हो गया। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਜਾਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ ਤੇ 1708 ਚ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਸ਼ਵਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਨਿੱਕ ਹੈ।